और खबर रायपुर से है, जहां पर महापौर को लेकर कांग्रेस की बैठक लगातार जारी है। सीएम भूपेश बघेल और प्रभारी पीएल पुनिया बैठक ले रहे हैं। बैठक में महापौर प्रत्याशी को लेकर चर्चा हो रही है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, मंत्री मोहम्मद अकबर और कवासी लखमा भी इस बैठक में मौजूद। बड़ी खबर राजधानी रायपुर से, जहां पर महापौर को लेकर कांग्रेस की बैठक चल रही है और इस बैठक में कई कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता शामिल हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल हैं। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, मंत्री मोहम्मद अकबर, पीएल पुनिया, तमाम लोग इस बैठक में शामिल हैं और महापौर को लेकर यह बैठक राजधानी रायपुर में चल रही है। कई विभाग एक सिर्फ एक जगह कम है और बाकी जगह, और वहाँ पर भी जो निर्दलीय हैं उन्होंने साथ दिया है, समर्थन दिया है और सभी जगह हम जीत हासिल करेंगे, ऐसा अनुमान। विधायक से सलाह पूछ सकते हैं, लेकिन महापौर के विधायक में बहुत ज़्यादा वो नहीं रहता। आप बड़े हाईकमान संगठन हमसे बात कर सकते हैं, हमारे अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी बुलाएंगे, पूछेंगे, तो अभी तक ऐसी कोई बात हुई नहीं है। एक मीटिंग हुई है जिसमें हमारे पर्यवेक्षक जो आए थे वैद्यनाथ चंद्राकर जी के साथ, सभी पार्षदों ने एक मत राय होकर एक वो किया है कि जो भी हाईकमान निर्णय लेगा उसको हमको मान्य होगा। कई विभाग ने एक ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी रूपेश गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रूपेश, महापौर को लेकर कांग्रेस की बैठक चल रही है, क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रभारी महासचिव पीएल पुनिया की अगुवाई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हो रही है और इस बैठक में मोटे तौर पर यह कोशिश की जाएगी कि दरअसल रायपुर का महापौर कौन होगा, इस पर फैसला ले लिया जाए। हालांकि इसकी घोषणा तब होगी जब चुनाव होने हैं, क्योंकि उससे पहले अगर इसकी घोषणा हो गई, नाम लीक हो गया, तो आने वाले समय में कांग्रेस को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कांग्रेस चुपचाप ये बैठक चल कर रही है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस की कोई बैठक हो रही है, बल्कि विधायकों के भी बैठक हुई थी तो ऐसा नहीं हुआ था। जो अभूतपूर्व तैयारी यहाँ पे की गई है कि जो बाहर का दरवाजा है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आमतौर पर होता यह आया है कि अंदर का दरवाजा बंद किया जाता था, लेकिन इस बार बाहर का दरवाजा ही बंद कर दिया गया है, यानी कि कांग्रेस भवन में कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है। बड़े ही गोपनीय तरीके से ये बैठक चल रही है और इस बैठक में तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें महापौर का नाम भी शामिल है और इसके साथ साथ कि निर्दलियों को किस तरीके से अपनी पार्टी के साथ जोड़ा जाए, किसको ये जिम्मेदारी दी जाए और कितनी बड़ी संख्या में निर्दलीय हम यहाँ पे आए। एक और चिंता की बात है कि चूंकि दल बदल का कानून लागू नहीं है, तो महापौर का प्रत्याशी ऐसा चुना जाए जिसको लेकर के क्रॉस वोटिंग का खतरा ना हो, ये सबसे बड़ी चिंता का सबब है कांग्रेस के लिए, क्योंकि इससे काफी फजीहत हो सकती है अगर ऐसा कुछ होता है तो। इसलिए कांग्रेस जाहिर तौर पर ऐसा महापौर चुनेगी जिस पर सबकी आम राय हो। हालांकि सभी पार्षदों ने एक मत होकर के यह फैसला आलाकमान पर छोड़ दिया है, प्रदेश नेतृत्व पर छोड़ दिया है कि वो तय करें कि महापौर कौन होगा। लेकिन माना यह जा रहा है कि रायपुर का महापौर वही व्यक्ति होगा जिसे भूपेश बघेल खुद चाहेंगे, क्योंकि माना यह जा रहा है कि रायपुर और भिलाई दो ऐसी जगह है जहां से सीधा उनका ताल्लुकात रहा है, अपनी राजनीतिक ताल्लुकात भी रहे हैं, लिहाजा इन जगहों पर वो अपने व्यक्ति को बिठाना चाहेंगे। हालांकि ये भी अपने आप में दिलचस्प है कि एक से ज्यादा व्यक्ति भूपेश बघेल के हैं। एजाज झेबर भूपेश बघेल के करीबी हैं, प्रमोद दुबे भूपेश बघेल के करीबी हैं, ज्ञानेश शर्मा के साथ जरूर है कि वो चौबे के करीबी रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने मीडिया का कार्यभार संभाला था। इसके अलावा जो शिव कुमार मेनन है उनका नाम भी चर्चाओं में है और एक और नाम अजीत कुकरेजा का, वो भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी माने जाते हैं। तो अपने करीबियों में से किसको चुनते हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर एक ये भी है कि विधायकों की राय को भी अहमियत दी जाएगी, उनकी भी सुनी जाएगी कि दरअसल रायपुर को लेकर के वो क्या सोचते हैं। चार में से तीन सीटें कांग्रेस के पास है, तीन विधायक कांग्रेस के हैं, तो ये क्या चाहते हैं, इनको किस नाम पर आपत्ति है, ये भी समझने की कोशिश की जाएगी। चलिए, निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि होने वाले महापौर का नाम इस बैठक से बाहर निकल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रूपेश जानकारी साझा करने के लिए।